Good morning, everyone. So we are ready for our another trip, which we call is the epic trip to Gujarat. And this time we are traveling with our two daughters, and it's going to be the first trip for our the youngest daughter of ours. And let's see how the trip is. Day one, we are going to Udaipur. हम निकल पड़े हैं दिल्ली से, सुबह के बज रहे हैं 8। आज का जो रास्ता है वो है करीब 650 किलोमीटर का, और टाइम दिखाया जा रहा है 10 hours and 51 minutes। लेट्स सी हम कितनी देर में कवर करते हैं और पहुंचते हैं आज की डेस्टिनेशन, जो कि है उदयपुर। तो हालांकि दिल्ली से निकल गए थे सुबह 8 बजे, लेकिन रास्ता क्योंकि गुड़गांव से जाता है तो पूरा ऑफिस क्राउड है, जो गुड़गांव जाने वाला क्राउड है, और अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है रास्ते में। जैम नहीं है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। लेकिन फर्स्ट टोल ऑफ द डे विच इज 70 rupees। मानेसर टोल हमने क्रॉस कर लिया है, सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, अभी भी काफी फॉग है। हमें उम्मीद थी कि हम लेट निकलेंगे तो शायद फॉग नहीं मिलेगा हाईवे पे, पर ऐसा नहीं हुआ है। और काफी ट्रैफिक भी मिला हमें गुड़गांव में, पूरा का पूरा ऑफिस आवर का ट्रैफिक लग रहा था। अब देखते हैं आगे का रोड कैसे चलता है, लेट्स सी। अभी तक रोड्स काफी अच्छे हैं, मानेसर तक थोड़ा सा हम लोग को ट्रैफिक मिला था, पर उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि रोड पे गाड़ियां कम हो गई है। ट्रक्स हैं अभी भी, ट्रक्स का ट्रैफिक मेनली है, गाड़ियां या पर्सनल व्हीकल जिसे कहते हैं वो काफी कम है, लेकिन फॉग अभी भी है। हालांकि फॉग इतनी ज्यादा नहीं है कि हमें विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो, पर हाँ फॉग है जरूर रास्ते पर। 9:40 AM, 121 किलोमीटर और हम पहुंच गए हैं राजस्थान। सुबह के 10 बज गए, करीब 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए, तो हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और हम यहाँ आए हाईवे किंग नाम से है, प्लेग्राउंड है काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए, और इनफैक्ट हमारी डॉटर अभी ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रही है, तो इट्स अ गुड ब्रेक, योर किड्स कैन एंजॉय देयर टाइम, यू कैन हैव अ टी ब्रेक और समथिंग इफ यू वांट। और काफ़ी सारी अरेंजमेंट है बच्चों के लिए, यहाँ पे बनी वगैरह भी हैं, सो दे विल बी एंटरटेन व्हेन यू कैन रिलैक्स एंड हैव अ कप ऑफ टी। सर्दियों का मौसम और गरम गरम चाय, वो चाय बहुत ही अच्छी है, सच में काफ़ी अच्छी चाय है। तो आधे घंटे का काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक हो गया हमारा बीच में, अभी भी डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है विच इज़ उदयपुर। अभी फ़िलहाल हाईवे पे ट्रैफिक है और उम्मीद ये है कि जयपुर के बाद उतना ट्रैफिक नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों को आज बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है क्योंकि उदयपुर में जाके रेस्ट ही करना है। आज उदयपुर घूमने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कल का हम लोगों ने पूरा दिन रखा हुआ है उदयपुर घूमने का, कल घूमेंगे और आज सिर्फ पहुँचना है, तो कोई जल्दी नहीं है। सो 10:40 इन द मॉर्निंग, लीविंग फ्रॉम दिस किंग हाईवे किंग रेस्टोरेंट और हिटिंग बैक द हाईवे अगेन। तो अभी दिल्ली और जयपुर के बीच में कहीं पे है, हाईवे की दशा तो ठीक है, रोड पे गड्ढे नहीं है और रोड कंडीशन भी ठीक है, सिवाय इसके कि थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है। और लेफ्ट और राइट में बड़े सुंदर सरसों के खेत भी नज़र आ रहे हैं। जब आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो ध्यान रखें कि बहुत सारे स्नैक्स बच्चों के लिए लेके चलें, क्योंकि उनका छोटा सा पेट होता है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बट दे वांट समथिंग टू मंच अराउंड ऑल अ लिटिल व्हाइल, सो कीप योर सेल्फ स्नैक्ड अप सो दैट दे कैन ईट ऑन द वे एंड यू डोंट हैव टू स्टॉप। तो जयपुर से कुछ 60 किलोमीटर पहले ये हमारा आ गया है तीसरा टोल, और अभी तक रास्ता काफ़ी अच्छा था, बस काफ़ी ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक है जैसे हमने पहले भी आपको बताया, और अभी आगे देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। अभी 12 बजने वाले हैं, बस और 10 मिनट में, तो ठीक चल रहा है हमारा, थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं, स्पीड मेंटेन करते हुए, बच्चों के साथ यही सही रहता है। तो हमने अब ले लिया है जयपुर बाईपास, अगर हम सीधा निकल जाते तो जयपुर सिटी आ जाती,
पर हम उसको बाईपास कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग का जयपुर जाने का कोई इरादा नहीं है, हम जा रहे हैं उदयपुर। काफी सुंदर रोड है, अभी से हम थोड़े थोड़े पहाड़ देख पा रहे हैं। ये पहाड़ और कुछ नहीं है बल्कि अरावली रेंजेस हैं। सो हियर वी आर ऑन आवर नेक्स्ट टोल। एक बात है कि जयपुर हाईवे जो है ये पूरा का पूरा, इस पे टोल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो जब हम लोग कश्मीर ट्रिप गए थे तो हमारा बाई चांस एक भी टोल नहीं लगा था क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे। एक लगा था बस जब हम कश्मीर पहुंच गए थे तब। लेकिन अब जब से हमने ये वाला रोड ट्रिप स्टार्ट किया है तो काफ़ी सारे टोल पे टोल ही आए जा रहे हैं। देखते हैं आज उदयपुर तक पहुँचने में कितने टोल लगते हैं। आजकल हाईवे पे सब जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन का जोरों शोरों से काम चल रहा है और यहाँ पे भी वही है। तो जयपुर सिटी क्रॉस करने के बाद थोड़ा हाईवे पे आगे, ऑल्दो कुछ 100 meters अंदर की तरफ आना पड़ता है, बट देयर इज़ अ मैकडोनल्ड्स हियर एंड यू कैन वेट हियर फॉर सम क्विक स्नैक एज वी आर ऑल्सो स्टॉपिंग हियर। तो एक क्विक ब्रेक के बाद हम निकल पड़े हैं आगे के सफ़र के लिए। हम बस अजमेर के कुछ पास आने ही वाले हैं और देख रहे हैं कि रोड पे ट्रैफिक कम होता जा रहा है। इवन द पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस हियर अराउंड दिस एरिया, काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है काफ़ी, और बस ट्रक्स ही हमें मेजरली दिख रहे हैं। गाड़ियाँ तो कोई इक्का दुक्का ही दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि सारी गाड़ियाँ जो दिल्ली से निकलती हैं शायद जयपुर ही रुक जाती हैं, आगे शायद ही कोई जाता है। तो हम लोग का आज का दिन तो पूरा रोड ट्रिप पे ही चलेगा, रोड पे ही निकल रहा है। पर अभी तक हाईवे काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि थकान हो रही है कुछ है। रुकते रुकते चल रहे हैं, मस्ती करते चल रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ द रोड इज अहेड। तो कई बार हाईवे पे बड़ी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, जैसे हमारे राइट में एक ट्रक जा रहा था जो अभी पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टेड नहीं था, तो जो ड्राइवर था वो हेलमेट पहन के जा रहा था अपनी सेफ्टी के लिए। सो इट वाज वेरी नाइस टू सी दैट पीपल आर एक्चुअली अवेयर एंड आर कंसर्न्ड अबाउट देयर सेफ्टी। एंड हैविंग सेड दैट, वी शुड बी वेरी वेरी सेफ व्हाइल वी आर ड्राइविंग इन ऑन द हाईवेज। मेक श्योर दैट यू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, डोंट ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ, एंड इट्स ऑलवेज गुड, like we always say, it's always good to be safe than sorry on highways. So just a small break on the highway, just to stretch the back. काफी देर तक गाड़ी चलाते चलाते ऐसा लग रहा था कि कमर जकड़ गई है। So it's a good idea to stop in between, walk for a few minutes, and then again resume driving. ब्यावर के बाद जो उदयपुर के लिए रोड जा रहा है वो सिंगल है, मतलब जाने और आने का ट्रैफिक एक ही रोड पे है। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि ट्रक अगर कोई सामने आ जाता है तो उसको ओवरटेक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी घंटे उतने ज़्यादा नहीं है सड़क पे, ठीक है, रोड की कंडीशन ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिंगल रोड होने की वजह से स्पीड मेंटेन नहीं हो सकती। तो अभी 200 किलोमीटर और यहाँ से दिखा रहा है उदयपुर, तो मुझे लगता है कम से कम 4 घंटे तो और लगेंगे अभी उदयपुर पहुँचने। तो सिंगल वाले रोड जो है उसके ऊपर भी टोल है, इन्होंने तो हद कर दी, इतने सारे आज टोल आ रहे हैं। तो चलते चलते अचानक पहाड़ों के बीच में से रास्ता जा रहा है, दोनों तरफ पहाड़ नजर आ रहे हैं और शायद मार्बल के पहाड़ हैं। काफी अच्छी रॉक फॉर्मेशन है बोथ साइड्स ऑफ द हाईवे। तो दिल्ली से उदयपुर का जो रास्ता है वो ज़्यादातर वेस्ट डायरेक्शन में जहाँ हम लोग जाते हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम क्या है कि सनसेट के टाइम पे सूरज एकदम आँखों के सामने है, जो बार बार आँखों में लग रहा है। शाम को 5:10
बहुत ही सुंदर सनसेट सामने नजर आ रहा है। तो ब्यावर के बाद उदयपुर से पहले जो ये हाईवे है इस पे इतने खराब स्पीड ब्रेकर्स बनाए हुए हैं, खराब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनसाइंटिफिक तरीके से बनाए हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी हल्की सी भी स्पीड में है, 30 या 40 किलोमीटर पर आर में है, उससे भी कम है, तो उछल जाती है एकदम से। शाम के 6:15 बजे उदयपुर आने से तकरीबन 90 किलोमीटर पहले हाईवे फिर से डबल हो गया और काफ़ी अच्छा भी हो गया। तो इसका मतलब बीच में वो कुछ 70-80 किलोमीटर का स्ट्रेच आया था जहाँ पे सिंगल रोड था और बहुत सारे खराब स्पीड ब्रेकर थे, अदरवाइज उससे पहले भी हाईवे ठीक है और उसके बाद भी हाईवे ठीक है। Exactly 7:30 in the evening and we are entering Udaipur. Good morning from the city of lakes, Udaipur. We were here at 8 PM yesterday and we literally crashed into our beds. It was a long journey, especially when you have two kids in tow. So the journey was good, the roads were good. Beech mein thode stretches the jahan pe single road tha, so it was little tiring for us. और थोड़ा बहुत स्ट्रेच था जहाँ पे थोड़ा रोड ठीक नहीं थे, बट मोस्टली लाइक आई वुड से 80% ऑफ द रोड्स वर वेरी गुड। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग टू उदयपुर डायरेक्टली फ्रॉम दिल्ली, विथ इट टुक अस अराउंड 12 आवर्स, वी स्टार्टेड एट 8 AM इन द मॉर्निंग एंड वी रीच 8 PM, तो काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है बच्चों के साथ। मेक श्योर यू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, इफ यू कैन गेट समबडी अलॉन्ग विद यू ऑन द ट्रिप इट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज देन यू हैव समबडी विद यू to help you around with the kids. लेकिन अगर नहीं भी हैं तो आप या तो अपनी जर्नी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कर रहे थे आप बच्चों को छोटे छोटे कुछ इंगेज करने के लिए उनको जो है कुछ बातें बता सकते हो। जैसे आप हमने अपनी डॉटर को बोला था कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रक्स वी आर पासिंग, या देखो कि लेडीज ने क्या ड्रेस पहनी हुई और हमें उनको डिस्क्राइब करो, या फिर वी टोल्ड हर हाउ टू रीड मैप्स, वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट साइंस दैट वर कमिंग, जो रोड साइंस होते हैं, सो आई थिंक बाई नाउ शी नोज लॉट ऑफ साइंस दैट शी हैड नॉट सीन बिफोर। तो इन चीज़ों से आप उनको एंगेज करके रख सकते हो। और छोटा बच्चा जो है वो तो मोस्टली सोता ही आएगा आपके साथ, वी आर अज्यूमिंग, बट किड्स कैन बी डिफरेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट स्ट्रेस, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों के साथ, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट, जस्ट इन्जॉय। क्योंकि कहते हैं ना कि घर में भी आपको बच्चों के पीछे ही भागना है, रादर देन रनिंग बिहाइंड देम एट योर हाउस, रन बिहाइंड देम एट अ डिफरेंट प्लेस सो दैट दे कैन ऑल्सो एक्सप्लोर एंड फील द डिफरेंट एनवायरमेंट दैट इज देयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उनको जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।